फाइव वन टैप मिस्टेक्स यू मस्ट अवॉइड। सो आप एक वन टैप प्लेयर होके हमेशा ये पांच गलतियां करते हो जिसके वजह से हेडशॉट मारना तो दूर, आप खुद हेडशॉट खा के आ जाते हो। सो बीइंग ए वन टैप प्लेयर यू कैन नॉट मेक दिस मिस्टेक्स। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा दिस वीडियो इज अकॉम्प्लिश्ड नॉलेजेबल, सो प्लीज डोंट स्कीप द वीडियो। ओके, सो मैंने बहुत प्लेयर्स को देखा है वो वन टैप मारते टाइम ऑलवेज जॉयस्टिक बटन को अप और डाउन साइड में ड्रॉन करता है, चाहे कोई भी वन टैप गन चला रहे हो। सो अगर आप भी उनमें से एक हो तो दिस इज योर फर्स्ट मिस्टेक। सो गाइस, मैं आपको मेरे हर एक वीडियो में बताता रहता हूँ वन टैप गन्स में सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू SMG एंड एयर गन्स। बट हाँ, कुछ क्लोज रेंज वन टैप गन्स में सेंसिटिविटी लो होता है लाइक स्पास, M1014, M1887। बट जितने भी लॉन्ग रेंज वन टैप गन्स है लाइक डेजर्ट ईगल, वुडपेकर, SVD, AC-80, इन गन्स में सेंसिटिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। तो आप जब भी इन गन्स का यूज करके एनिमी को वन टैप मारने जाओगे, आपको कभी भी जॉयस्टिक बटन को अप और डाउन साइड ड्रॉन नहीं करना है। बट क्लोज रेंज वन टैप गन्स में जॉयस्टिक बटन को अप और डाउन साइड में ड्रॉन कर सकते हो बिकॉज इन गन्स में सेंसिटिविटी बहुत लो होता है। सो मैंने आपको सिर्फ जिस्ट बताया है क्यों आपको जॉयस्टिक बटन को अप और डाउन साइड नहीं खींचना है वन टैप मारते टाइम। बट अगर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊं तो जॉयस्टिक बटन का यूज तब होता है जब एम एनिमी के बॉडी में स्टक हो जाता है, तो उस टाइम जॉयस्टिक बटन को ऊपर या नीचे की तरफ खींच के ड्रैग मारने से आपके एम के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है जिससे स्टक एम इजिली एनिमी के हेड तक पहुंच जाता है। बट लॉन्ग रेंज वन टैप गन्स में ये फॉर्मूला वर्क नहीं करता है बिकॉज इन गन्स में सेंसिटिविटी पहले से ही बहुत हाई होता है। एंड फिर भी अगर आप जॉयस्टिक बटन को ऊपर या नीचे खींचोगे वन टैप मारते टाइम, तो आपका एम या तो आसमान में चला जाएगा या फिर रिकॉयल हो जाएगा। ओके, सो जॉयस्टिक बटन के ऊपर मैं एक फुल कंपैरिजन वीडियो बना सकता हूँ अगर आप इस वीडियो में सिर्फ जॉयस्टिक कमेंट करोगे तो। बस 100 कमेंट्स कर दो, फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा। ओके, सो एज अ एग्जांपल, मानो क्लोज रेंज से कोई एनिमी आपके ऊपर फायरिंग कर रहा है एंड आपके हाथ में डेजर्ट ईगल गन है और आप उस एनिमी को वन टैप हेडशॉट मारना चाहते हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप वन टैप कैसे मारोगे? पहले एम को एनिमी के बॉडी में लॉक करोगे, देन रोटेशन ड्रैग या स्ट्रेट ड्रैग का यूज करोगे। यस, इट इज योर सेकंड मिस्टेक। गाइस, क्लोज रेंज में एनिमी को वन टैप मारने के लिए आपको ऑलवेज क्वाइट एम लॉक का यूज करना है बिकॉज क्लोज रेंज में रेड एम लॉक से अगर आप एनिमी को वन टैप मारने जाओगे तो आपका एम एकदम एनिमी के बॉडी में चिपक के रह जाएगा। एंड इस बात को जानने के बाद भी बहुत प्लेयर्स को देखा है वो क्लोज रेंज एनिमी को हेडशॉट मारने के लिए रेड एम लॉक का यूज कर रहे। सो गाइस, प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक अगेन। सो फ्री फायर में एक कैरेक्टर पोजीशन ऑलवेज सारे प्लेयर्स को डिस्टर्ब करता है जो है स्टैंडिंग पोजीशन। अगर आपका कैरेक्टर एक सेकंड के लिए भी स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगा एंड एनिमी उसी टाइम अगर ड्रैग करेगा तो आपको इजीली हेडशॉट लग सकता है। बट उससे बड़ी प्रॉब्लम है, जब भी आप फायरिंग करोगे तो आपका कैरेक्टर ऑटोमेटिक स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएगा। सो गाइस, दिस इज योर थर्ड मिस्टेक। सो फ्री फायर में स्टैंडिंग एनिमी को हेडशॉट मारना कितना ज्यादा इजी होता है ये सबको पता है, बट आप भूल जाते हो वन टैप मारते टाइम आपका कैरेक्टर भी स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाता है तो हेडशॉट एनिमी के साइड से भी पड़ सकता है। सो भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बट इस ट्रिक को सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में आपको यूज करना है। लाइक अगर आप 1v1 फाइट कर रहे हो या फिर M1014, M1887 चला रहे हो या फिर लॉन्ग रेंज फाइट कर रहे हो या फिर किसी एनिमी को कवर से बाहर लाके वन टैप मारना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में आपको इस ट्रिक का यूज करना है। सो यहाँ पे आपको क्राउच पोजीशन अप्लाई करना है एंड आपके हेड को लेफ्ट या राइट डायरेक्शन की तरफ रखना है जॉयस्टिक बटन के हेल्प से। एंड एनिमी जिस जगह से बाहर आने वाला है एम को वहाँ पे पहले से ही सेट करके रखना है। देन जैसे ही एनिमी आपके ऊपर फायर करेगा या बाहर निकलेगा, आपको स्ट्रेट ड्रैग का यूज करना है। सो कितना इजी और बेटर ट्रिक है आप देख सकते हो एंड इस ट्रिक से एनिमी आपको हेडशॉट भी नहीं मार पाएगा। एंड अगर आप M1014 चला रहे हो तो वहाँ पे भी इस ट्रिक का अप्लाई करके एनिमी को क्विकली एंड इजिली वन टैप हेडशॉट मार सकते हो। सो गाइस, इस बात पे तो एक लाइक होना ही चाहिए, बस 100 लाइक्स हम कंप्लीट कर दो बिकॉज मैं हमेशा छोटे छोटे चीज़ों में खुशियाँ ढूंढता हूँ।
ओके, सो यहाँ पे एनिमी मिड रेंज में है एंड आपके हाथ में एज वीडी गन है एंड आपका एम एनिमी के बॉडी में रेड है, तो ऐसे सिचुएशन में आप कौन सा ड्रैग यूज करोगे? रोटेशन ड्रैग या स्ट्रेट ड्रैग? ब्रो, हम तो रोटेशन ड्रैग यूज करेंगे। यस, इट इज योर फोर्थ मिस्टेक। गाइस, आप कोई भी एसएमजी गन या एयर गन्स में रेड एम लॉक के साथ रोटेशन ड्रैग का यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई भी शॉर्ट गन्स चला रहे हो लाइक स्पास, M1014, M1887, तो इन गन्स में भी आप रेड एम लॉक के साथ रोटेशन ड्रैग यूज कर सकते हो। बट अगर आप लॉन्ग रेंज वन टैप गन्स में रेड एम लॉक के साथ रोटेशन ड्रैग यूज करोगे तो आपका एम बार बार रिकॉयल हो जाएगा। ऐसा सिचुएशन आएगा 10 में से आपका 2 वन टैप लगेगा अगर आप रेड एम लॉक के साथ रोटेशन ड्रैग यूज करोगे तो। मुझ पे ट्रस्ट नहीं है तो आप खुद ट्राई कर लेना, पता चल जाएगा। ओके, सो जब भी आप वुड पेकर, एसवीडी, एसी80, डेजर्ट ईगल जैसे गन्स चलाओगे एंड आपका एम एनिमी के बॉडी में रेड रहेगा तो आपको ऑलवेज स्ट्रेट ड्रैग का यूज करना है। इससे 99% चांस रहेगा आपका वन टैप लगने का, 10 में से 9 वन टैप लग जाएगा। एंड अगर आप इन गन्स में रोटेशन ड्रैग का यूज करना चाहते हो तो आपको व्हाइट एम लॉक का यूज करना है, एज यू कैन सी मैं कैसे यूज कर रहा हूँ। सो गाइस, मैंने रोटेशन ड्रैग के ऊपर टोटल 6 वीडियोस बना चुका हूँ जो क्वालिटी कंटेंट के साथ नॉलेजेबल भी है एंड मेरे हर एक वीडियोस में फुल रिसर्च करके ही बनाता हूँ। ऐसा नहीं है मैं आपको कुछ भी बता के चला जा रहा हूँ एंड फिर भी आप सपोर्ट नहीं करते। हाउ टू डिफीट वन टैप प्लेयर। ओके, सो दिस इज नॉट मिस्टेक, इसे हम टिप्स भी बोल सकते। So, जब आप भी वन टैप प्लेयर होते हो एंड ओपोनेंट भी वन टैप प्लेयर होते हैं तब सिचुएशन थोड़ा टफ हो जाता है, बिकॉज अगर आपका वन टैप नहीं लगेगा तो एनिमी का वन टैप आपको लग सकता है, तो ऐसे सिचुएशन को डिफीट करना आपको आना चाहिए। ओके, सो मैंने सेकेंड मिस्टेक बताया था, फ्री फायर में स्टैंडिंग एनिमी को वन टैप मारना बहुत ज्यादा ईजी होता है। बट क्यों ईजी होता है पता है? बिकॉज कैरेक्टर का हेड एक ही जगह पे स्टील रहता है इसीलिए। बट कोई एनिमी अगर जिगजैग कर रहा है तो उसे वन टैप मारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज जिगजैग करने के वजह से उसका हेड एक जगह पे स्टील नहीं रहता। एंड फिर भी अगर आप वन टैप मारने जाओगे तो ऑब्वियसली आपका एम रिकॉयल मार जाएगा। सो आई थिंक आपको समझ आ गया है वन टैप प्लेयर को कैसे डिफेंड करना है। आपको ऑलवेज ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना है जिससे आपका हेड एक जगह पे स्टील ना रहे, जिसके लिए आप जिगजैग मूवमेंट कर सकते हो या नूबो अप का यूज कर सकते हो, क्राउच वन टैप का यूज कर सकते हो या फिर वन टैप मारने के बाद सीट अप कर सकते हो। बस कुछ ना कुछ करते रहो जिससे हेड एक जगह पे स्टील ना रहे। बाय द वे, ऐसा और भी वीडियोस देखने के लिए आपको क्या करना है? सब्सक्राइब।